दर्शकों का जन जागृत न्यूज चैनल बन सके। आप देख रहे हैं नगर पंचायत में बैठा हूँ, यहाँ पर मौजूद है नगर अध्यक्ष चेयरमैन प्रतिनिधि आमिर भाई। जैसा कि आप देख रहे हैं आए दिन हर एक समाज में हर एक काम के लिए तत्पर रहते हैं। आज हम बात करते हैं नगर पंचायत के जो भी विकास कार्य हो रहे हैं और जो भी किया जा चुका है उसके बारे में लेंगे संक्षिप्त जानकारी। आइए हम जानते हैं आमिर भाई से, जिस तरह से विकास कार्य बहुत जोरों से दिख रहा है उसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी चाहते हैं। इस टाइम आपका विकास कार्य जिस तरह चल रहा है और काफ़ी जोरों पर कई जगहों में दिख रहा है, तो कहाँ तक कितना काम हो चुका है, कहाँ कहाँ हो चुका है, कहाँ हो रहा है, तो उसके बारे में जानकारी दीजिए। नगर पंचायत में अभी 8 रोडों का टेंडर हुआ है और कार्य हर जगह प्रगति पे है। कितने काम हो चुके हैं ये तो वहाँ पे जाके आपको पता चल रहा है। तो कुछ आपके जानकारी में होगा वार्ड बाय वार्ड? वार्ड बाय वार्ड, वार्ड नंबर 2 में 2 रोडों पे काम चल रहा है, वार्ड नंबर 3-8 पे भी 2 रोडों पे काम चल रहा है। अच्छा, इसी तरीके से वार्ड नंबर 6 और 12 में भी काम चल रहा है। 8 रोड बन रही है, जो खरंजा बिछाना है नया नया टेंडर है, वो इसका मरम्मती कराना है। एक रिसोलिंग रोड है, एक रिसोलिंग है, वो कहाँ की है? जुबेर नगर, जुबेर नगर की है। अच्छा अच्छा, तो वहाँ पर रिसोलिंग है, बाकी सारी जगह नया टेंडर है। तो एक चीज़ जान रहे हैं, देखा जा रहा है इस टाइम नगर पंचायत हाजिन जो बस अड्डा एरिया है वहाँ से जो रोड गया हुआ है, बैंक ऑफ बड़ौदा होती है, तीन मोहानी रहा जहाँ मिला होता है, वहाँ भी इस टाइम कार्य चल रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए कि क्या रोड वहाँ पर जितना था उतना ही बनाया जाना है तो उसको चौड़ाकरण करना है? रोड को चौड़ाकरण करने का कोई हमारे पास प्रस्ताव नहीं है। हमारे पास प्रस्ताव है नाली पे जो अतिक्रमण है उसको ठीक करना। दरअसल नगर पंचायत की ये रोड पूर्व के अभिलेखों में 4 लाठे की है। अच्छा, 4 लाठा मतलब 32 फीट चौड़ी रोड है। इस टाइम मौके पे लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है, तो जो मकान बना लिए हैं उसको तोड़ना या उस पर नया डायग्राम बनाना या उसका प्रस्ताव भेजना, ये सरकार और शासन को करना है। शासन की और सरकार की मर्जी होगी तो उसको तोड़ेगा और अपनी रोडों को अवमुक्त कराएगा जो अतिक्रमण है। और जब तक हम रोड बना रहे हैं तब तक नाली पे या उसके गोटे पे जो अतिक्रमण है उसको खाली कराना है। जैसे लोगों ने चबूतरा बना लिया है, कुछ लोग उस पर अपना सर सामान रख के आगे आ गए हैं, तो उसको हमको मुक्त कराना है, इसका अभियान चल रहा है। आपका कहना ये है कि रोड को चौड़ाकरण नहीं करा रहे हैं, लेकिन जो रोड के बगल में नाली है जिसको अतिक्रमण कर रखा है लोगों ने, उसको खाली कराना है। नाली चबूतरा जो भी है उसको खाली कराना है, तो नाली चबूतरा को खाली कराना है, जो उसका अजीत ने बताया आपने, उस पर घर भी बन चुके हैं बहुत ज्यादा। अब जिसके घर बन गए हैं उसको डेमोलाइज करने का काम शासन प्रशासन के आगे की रणनीति है, तो सरकार का काम है वो, जो रणनीति आगे बनाएगी जो अभी उसका आदेश होगा। ये आप जान लीजिए कि माननीय योगी जी की इच्छा है कि नगर पंचायत से लेकर ग्राम स्तर तक जितनी भी रोडें हैं वो अतिक्रमण मुक्त हो चुकी है, तो अतिक्रमण मुक्त करने का प्रयास और अभियान चल रहा है और उस पर किया जाएगा। तो इसमें नगर पंचायत के तरफ से जो यहाँ के ईओ मैडम है बंटी कुमारी, उनके सहमति से क्या इसके लिए क्या कुछ लोगों को नोटिस दिया हुआ है? हम नोटिस देना ईओ का काम, हम चेयरमैन प्रतिनिधि हैं, वो सरकारी काम कराने का तरीका है, ये उनका एडीपी ऑफिसर है, उनका काम उन्होंने कराया है, उन्होंने नोटिस दिया है। और अतिक्रमण कहीं भी होगा तो उनको नगर पंचायत की तमाम रूपरेखा को मेंटेन करना है, तो वो तो नोटिस देगी। तो जब चेयरमैन प्रतिनिधि हैं जनता के, जो कर रही हैं जनता का कुछ कहना है, मैं आपको वो भी कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, कुछ लोगों का कहना है कि नोटिस हमको मिला हुआ है, 4-5 लोग एक ही लाइन में एक ही जगह पे हैं, और उनका कहना है कि ये सिर्फ 4-5 लोगों का जो नोटिस मिला हुआ है, इसमें कोई डेट नहीं है, दिनांक नहीं है, जो ईओ मॉडल द्वारा भेजा गया है यहाँ नगर पंचायत कार्यालय से, और साथ ही साथ ये भी उनका एक आरोप है कि सबको ये नोटिस मिलना चाहिए, सभी अतिक्रमण किए हैं, सिर्फ हम ही 5 क्यों, क्या ये संज्ञान में आपको नहीं आया? नहीं नहीं, मालूम है, मुझे संज्ञान में है, ऐसी जानकारी हुई है। दरअसल ये एक क्लर्कियल मिस्टेक हो सकता है, सिग्नेचर करना अथॉरिटी का प्रस्ताव है। अच्छा, अब क्लर्कियल मिस्टेक में हो सकता है कि शायद डेट ना हो, जहाँ तक कि मुझको ऐसी कोई जानकारी है नहीं, ना मेरे सामने कोई ऐसी बात आई। अब अगर लोग कह रहे हैं तो हो सकता है ऐसा हो, तो अगर डेट नहीं है तो डेट डल जाएगी। ये तो एक्सेप्ट उन्होंने कर लिया कि हमको नोटिस मिल गया है, तो डेट उसी दिन से मान लें जिस दिन से उनको नोटिस मिल गया, ठीक है। दूसरी बात, अब आपने कहा कि और लोगों का, तो मामला ये है कि और लोगों का कितना कब्जा है और उनका कितना कब्जा है, ये आप मौके पे जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। उन्होंने नाली को डेड लाइन पे 4 फीट अपने बगल से, अपने मकान से 4 फीट आगे चबूतरा बना लिया,
और समुद्रे के बगल से नाली को बोर्ड कर दिया है, तो वो गलत है भाई। फिट दो फिट कहीं कोई दबाव होता, कहीं कोई एडजस्टमेंट होता, तो आदमी करके चला जाता। आप अतिक्रमण भी कर रहे हैं और आप बता रहे हैं दूसरा कोई किया हुआ है, तो दूसरा किया है तो आप भी करेंगे, तो दूसरा किया है तो शासन का काम है, प्रशासन का काम है उसको खाली कराना भाई। जो हाँ हमको लगा या नगर पंचायत को लग रहा है, उन्होंने नोटिस किया, क्योंकि वो जरूरत से ज़्यादा अधिक है, अत्यधिक कब्जा है, इसलिए वहाँ पे नोटिस है। अगर उनको लगता है कि इसने और लोग भी कब्जा कर रखे हैं तो उनके खिलाफ कंप्लेन करें नगर पंचायत को, नगर पंचायत उनको भी नोटिस देगी और शासन को रिपोर्ट करेगी कि हाँ ये लोगों ने कब्जा कर रखा है। उसके बाद कहना ये है कि जहाँ नगर पंचायत को लग रहा है कि ये अत्यधिक कब्जा है, उसको नोटिस कार्यालय में दे रखा है, और जहाँ पर अत्यधिक नहीं दिख रहा है, यहाँ कब्जा है लेकिन अत्यधिक नहीं है, उनको नोटिस नहीं दे रखा है। अत्यधिक का मतलब ये है कि जहाँ बाधित नहीं हो रहा है हमारा काम। भाई रोड तो हमारी खत्म हो गई है, रोड हमारी 32 फीट की है, मौके पे हमारा ये रोड 20 फीट, 22 फीट, 18 फीट, 16 फीट, मतलब कोई डायग्राम क्लियर नहीं है। जिसकी जितनी मर्जी रही होगी अपना बढ़ा दिया होगा, तो उस तरीके से बढ़ा हुआ है भाई। रोड छोटी होने से ये समस्या कोई पहली नहीं है, अभी हाँ रोड बन रही है, रोड बनने से पहले आदमी को लगता है कि रोड चौड़ी होना चाहिए, जाम नहीं होना चाहिए। भाई आज हमारी बाजार की रूपरेखा कितनी खराब है, सारी व्यवस्थाएँ फेल हो गई है। हमारे यहाँ के अगल बगल की बाजारें चल रही हैं इसलिए वहाँ पर गाड़ी खड़ी करने की जगह है, वहाँ इतना ज़्यादा जाम नहीं है। यहाँ पे जाम की समस्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, उसकी वजह ये है कि लोग अपने दुकान से आके बाहर आ गए हैं, पटरियों पे कब्जा कर रहे हैं। पटरियाँ अगर छोड़ देंगे और थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे तो लोग मोटरसाइकिल खड़ा करके भी खरीदारी कर लेंगे, अगर अगल बगल कहीं कार भी खड़ी कर देंगे तो अगल बगल से कारें निकल भी जाएंगी। भाई ये इस समस्या से तो आप ही इसी नगर पंचायत में रह रहे हैं, आप देख रहे हैं आए दिन की समस्या, सब जूझ रहे हैं। अगर इस चीज़ से आप अवगत हैं, आप देख भाल रहे हैं, आप समझ भी रहे हैं, तो आपको तो इस पर ठोस कदम उठाना चाहिए, इसके सबके साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। आपको सबके साथ जो भी कब्जा, चाहे किसी का घर बना हो चाहे किसी का चबूतरा हो, आपको तो सब एक समान देखना चाहिए। बात आपकी सही है, हमको सबको एक समान देखना चाहिए और मैं एक समान देख रहा हूँ, इसीलिए ये कार्य कर रहा हूँ। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी के साथ वो काम करूँ जो उनको लगे कि गलत हो रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि शासन प्रशासन का काम भी हो जाए और समस्याएं भी इस तरीके की ना हो जाए उनके लिए कि जो उन्होंने कब्जा कर लिया है, पंजीशन कर लिया है, उसको छोड़ने के लिए अपना घर गिराना पड़े। भाई हम किसी का घर गिराने की रणनीति पर काम नहीं कर रहे हैं, हम नगर पंचायत की विकास की रणनीति पर काम कर रहे हैं। तो हम तो सिर्फ पटरियाँ खाली कराना चाहते हैं कि जितना अभी है जो प्रेजेंट है वो सही रहे। आपने पास्ट में क्या किया और फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर शासन की मंशा के अनुरूप होगा। अगर शासन की इच्छा होगी तो तुरमा खाली करा लेगी, बजट देगी, एम्बुलेंस कराएगी, रोड चौड़ीकरण कराएगी, रोड चौड़ी होगी। तो ऐसे में आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो ये चाहेंगे कि नगर पंचायत की सभी जनता विकास में सहयोग करे और ऐसी समस्याओं के निदान के लिए सबको एकजुट होना चाहिए, एक जगह होना चाहिए। और इस समस्या के लिए ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई हमारा जा रहा है तो उनका क्यों नहीं जा रहा, उनका जा रहा है तो हमारा क्यों नहीं जा रहा है। ये समस्याओं का हल ये नहीं है, समस्याओं का हल ये है कि सब लोग दिल बड़ा करें, सब लोग बोले भाई कि फिर दो फिर जो ना, हम कह रहे कोई अपने मकान में से न दे, कोई अपनी ज़मीन न दे, लेकिन जो पटरी पे पोजीशन है अगर किसी ने कब्जा कर रखा है तो उसको खाली करे और उसमें किसी तरीके की राजनीति न करे कि नहीं हम काम को अवरोध करेंगे या रोड छोटी कर देंगे। भाई रोड चौड़ी हो जाएगी तो दुकानदार या उस घर वाले के सामने चौड़ी होगी, वो उस रोड चौड़ी होने का लाभ हमारे आने जाने में होगा, वो रोड का हिस्सा हमारे घर के सामने तो आएगा नहीं। तो हमारी जनता से अपील है कि इसमें सहयोग करें ताकि नगर की रोडें अच्छी बने, नालियाँ अच्छी बने, गांव में लोगों का आना जाना सुगम हो जाए, रास्ता अच्छा हो जाए, इसमें हमारा सहयोग करें। यही हमारी अपील है नगर पंचायत के लोगों से और हम भी चाहते हैं कि आप भी इसमें लोगों को जाकर समझाइए। जी धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं हम आप इस चर्चा में भी बात कर रहे हैं, हमारी नगर पंचायत भागन के चेयरमैन प्रतिनिधि अनिल सखी चंडी जी हैं और इन्होंने जिस तरह से अपने वक्तव्य को रखा है और स्पष्ट शब्दों में अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने की जो अपील भी अपना रखा है, बहुत ही अच्छा सराहनीय बात है। और हम भी चाहते हैं कि जिस तरह से लोगों को अगर किसी तरह का कोई दिक्कत, कोई अड़ंगा, किसी तरह से कोई व्यवधान अगर उत्पन्न हो रहा है वो डायरेक्ट इनसे मिल सकता है। ये हमेशा उपलब्ध रहते हैं, एनी टाइम कभी भी जाके इनके आवास मिले, इनके घर पर मिले और चलते फिरते रास्ते में भी रोक के इनसे बात कर सकता है। इस तरह से ये सरल और सुविधा उनके लिए दे रखा है इन्होंने। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को यहाँ खत्म कर रहे हैं और फिलहाल हम उन लोगों से भी बात करेंगे जिनको जो तकलीफ है वो अपनी तकलीफ इस बात पर रखें, इस बात को समस्या हमारे मीडिया इस जनजागरण चैनल के माध्यम से उस बात को आया करें ताकि वो बात भी
चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद। जन निधारी समय इस्लाम अधिकारी नगर पंचायत भारत प्रयागराज से। इस चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।